प्यारे मित्रों एवं प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे सुरक्षा और रक्षा के बारे में। बच्चों, नई शिक्षा नीति का अगला चैप्टर है सुरक्षा एवं रक्षा। तो जहां तक देखा जाए सुरक्षा और रक्षा के बारे में, तो सुरक्षा की अवधारणा बहुत ही विस्तृत है, जबकि रक्षा को देखा जाए तो रक्षा मात्र इसका एक अंग है। ठीक है, रक्षा एक अंग है जो कि सिर्फ युद्ध काल में ही जो है जो कि लागू होता है, अर्थात आक्रमण की दफा में रक्षा शब्द, बाकी हर प्रकार से जो है एक व्यक्ति या एक राष्ट्र के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, चलाने के लिए जिन जिन चीज़ों की जरूरत पड़ती है वो सभी चीज़ें जो है सुरक्षा के अंतर्गत आती हैं। इसीलिए रॉबर्ट मैकनमारा ने कहा है सुरक्षा ही विकास है। तो जहाँ तक सुरक्षा शब्द है वो विकास से जोड़ा जाता है, अर्थात हर क्षेत्र में सुरक्षा। ठीक है, इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे एक व्यक्ति किन किन परिस्थितियों में सुरक्षित नहीं रह सकता, जैसे एक व्यक्ति की सुरक्षा में कई चीज़ों का योगदान होता है, उसी तरह एक राष्ट्र की सुरक्षा में भी कई चीज़ों का योगदान होता है। जैसे व्यक्ति को हम ले लेते हैं, तो व्यक्ति मान लीजिए किसी ने उस पर आक्रमण किया तब भी सुरक्षित नहीं है। अगर व्यक्ति के पास भोजन नहीं है, अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं है, कपड़े नए हैं, मकान नहीं है, वातावरण पर्यावरण ठीक नहीं है, तब भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। अचानक कोई दुर्घटना होती है, बीमारी आती है, दवा आती है, कहने का मतलब देखा जाए तो सुरक्षा के लिए कई तरफ से हर चीज़ें व्यक्ति के पास होना चाहिए। इसी तरह एक राष्ट्र होता है, उसके लिए सुरक्षा की, उसके लिए भी एक बहुत सारी कंडीशन ऐसी हैं जो लागू होती हैं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। राष्ट्र के लिए भाई राष्ट्र पे आक्रमण की दफा में यानी रक्षा की भी ज़रूरत है, और राष्ट्र की आर्थिक व्यवस्था, पर्यावरण अच्छा होना चाहिए, वातावरण अच्छा होना चाहिए। ठीक है, और इसके अतिरिक्त बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक राष्ट्र को सुरक्षित रखने के लिए ज़रूरत होती है। जैसे माना जाता है कि सुरक्षा जो है क्या होता है, एक राष्ट्र को सम्मानपूर्ण जीवन जीने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, चीज़ों का मतलब कभी भी किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, अलग अलग जो है चीज़ों की ज़रूरत अलग अलग समय में पड़ सकती है, तो उन चीज़ों को राष्ट्र का हित कहा जाता है, और इन्हीं हितों की रक्षा करना ही राष्ट्रीय सुरक्षा है, और ये हित जो है परिवर्तनशील होते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग पहले सुरक्षा के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, सुरक्षा क्या है, जैसे हमने आपको भी बताया राष्ट्रीय सुरक्षा का क्षेत्र व्यापक है। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा एकता अखंडता एवं संप्रभुता जो कि मार्मिक हित होते हैं एक राष्ट्र के, जिसे हम लोग कहते हैं प्राथमिक हित। जैसे एक व्यक्ति का प्राथमिक हित क्या होता है, रोटी कपड़ा और मकान, उसी तरह एक राष्ट्र का जो प्राथमिक हित होता है जिसे हम मार्मिक कहते हैं वो है एकता अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करना, जिसमें रक्षा या प्रतिरक्षा जो है ये सुरक्षा का मात्र एक अंग होता है, अर्थात सुरक्षा की स्थिति व्यापक है। अब देख सकते हैं सुरक्षा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं, राष्ट्र के भौगोलिक तत्व हो गए, सेना हो गया, सामरिक रचना हो गई अर्थात युद्ध की तैयारी, गुणात्मक जनसंख्या जो जनता जो है टेक्निकल हो, ऐसी जनता ना हो जो कि राष्ट्र के ऊपर भार बन जाए, अर्थात राष्ट्र के विकास में हर व्यक्ति का अगर योगदान हो तो समझ लीजिए राष्ट्र जो है वहाँ की जनसंख्या गुणात्मक है। ठीक है, अर्थात गुणात्मक का मतलब हम इस तरह लगा सकते हैं, कोई व्यक्ति इंजीनियर बन के योगदान दे रहा है, कोई डॉक्टर बन के, कोई जो है वैज्ञानिक बन के, कोई सेना में सुरक्षा व कर्मी बन के, कोई जो है अधिकारी बन के, कोई मंत्री, जो कि राष्ट्र के प्रति सबके अंदर जब समर्पण और बलिदान की भावना हो, अर्थात राष्ट्र को सबसे ऊपर मानने की भावना अगर जनता में विद्यमान है तो समझ लीजिए वो जनता गुणात्मक है, और जो कि राष्ट्र के ऊपर भार नहीं बल्कि राष्ट्र जो है उन ऐसे नौजवानों ऐसे जनता के ऊपर गर्व महसूस करेगा, क्योंकि राष्ट्र की सुरक्षा में ऐसे नागरिकों का योगदान बना रहता है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों की अधिकता अर्थात खनिज पदार्थ प्रकृति ने जो हमको दिया हुआ है, सुदृढ़ अर्थतंत्र अर्थव्यवस्था मजबूत होना चाहिए, और राजनैतिक मंच भी मजबूत होना चाहिए, क्योंकि राजनैतिक आंतरिक भी हो सकती है, विदेश नीति के रूप में बाहरी भी हो सकती है। आंतरिक राजनीति अगर हमारी अच्छी है तो राष्ट्र की एकता और अखंडता बनी रहेगी, और बाहरी राजनीति अच्छी है, विदेश नीति अच्छी है, तो जो आवश्यकता पड़ने पर हमारे पड़ोसी राज्य, हमारे मित्र राज्य हमको सारी सुविधाएँ उपलब्ध करा सकते हैं। इसलिए सुदृढ़ आर्थिक राजनीतिक और आर्थिक मंच दोनों होना चाहिए। अगला है मनोवैज्ञानिक तत्व, मनोविज्ञान मनोबल वही है, राष्ट्र के अंदर क्या मनोबल, उच्च मनोबल होना चाहिए, राष्ट्र के अंदर बलिदान की भावना होनी चाहिए, राष्ट्र के विकास में मन से योगदान दिया जाए,
चाहे वो युद्ध क्षेत्र में, तो मनोबल का महत्व और भी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अगला है तकनीकी विकास, टेक्नोलॉजी, वैज्ञानिक विकास जिसे हम लोग कहते हैं, औद्योगिक क्षमता, क्योंकि आज जो है औद्योगिक क्रांति का युग है, युद्ध का मशीनीकरण हो चुका है, युद्ध का ही नहीं बल्कि देखा जाए तो हर क्षेत्र का मशीनीकरण हो चुका है। नागरिक एवं युद्ध सैनिक दोनों क्षेत्र मशीनीकरण से युग में चल रहे हैं, इसलिए औद्योगिक क्षमता, औद्योगिक स्थिति का जो आधार होता है वो होता है टेक्नोलॉजी। अगर हमारी टेक्नोलॉजी के ही दम पर औद्योगिक क्षमता या औद्योगिक विकास होता है। टेक्नोलॉजी अगर हमारे यहाँ वैज्ञानिक अच्छे हैं, औद्योगिक विकास हमारा अच्छा होगा जो कि फैक्ट्रियों और कारखानों में होगा होता है, जो कि नागरिक और सैनिकों के आवश्यकता की चीज़ें हमें उद्योग धंधों से ही, औद्योगिक केंद्रों से ही प्राप्त होते हैं। चलिए थोड़ा सा सुरक्षा के बारे में और जान लेते हैं। इसके अतिरिक्त भी अन्य बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा के अंतर्गत आ सकती हैं या आती भी हैं। अर्थात जैसे कहा जाता है ना, राष्ट्र को सम्मानपूर्ण जीवन जीने के लिए जिन जिन चीज़ों की जरूरत पड़ती है वो सभी चीज़ें राष्ट्रीय सुरक्षा के अंतर्गत आती हैं, और वही राष्ट्रीय हित होते हैं, हितों की रक्षा ही राष्ट्रीय सुरक्षा है। चलिए आगे थोड़ा सा हम देख लेते हैं और भी। वर्तमान समय के पूर्ण युद्ध में, युद्ध के युग में सुरक्षा का प्रश्न और भी व्यापक हो गया है। सुरक्षा एक व्यापक एवं परिवर्तनशील अवधारणा है, अर्थात जिस समय जिस चीज़ को राष्ट्र की जरूरत हो वही उसके लिए उस समय सुरक्षा की जरूरत है। जैसे युद्ध काल में अच्छे अच्छे हथियारों की, टेक्निकल हथियारों की जरूरत पड़ती है, उच्च प्रशिक्षित सैनिकों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ऐसे शांतिकाल में भी नागरिकों की चीज़ों को उपलब्ध कराने की, या जो आवश्यक चीज़ों की जरूरत पड़ती है जो कि नागरिक हमारे जिनका उपयोग करें। अब देखा जाए तो यहाँ पर यह माना जाता है, जैसे हम दूसरे पॉइंट में हमने लिखा है, सुरक्षा एक व्यापक एवं परिवर्तनशील अवधारणा है जिसका अर्थ समय की सापेक्षता से ही समझा जा सकता है। अर्थात जिस समय जिन चीज़ों की जरूरत हो, समझ लीजिए राष्ट्र की सुरक्षा के लिए वो चीज़ आवश्यक है, और उसी समय। आगे हम लोग देखते हैं, वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा एक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का भी विषय बना हुआ है, क्योंकि आज का युग टेक्निकल युग है, परमाणु युग है। छोटी से युद्ध कहीं विश्व युद्ध में ना बदल जाए, कहीं परमाणु बम चलने की नौबत ना आ जाए, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का भी विषय माना जाता है, क्योंकि छोटे से युद्ध से अंतर्राष्ट्रीय या संपूर्ण विश्व के लिए खतरा पैदा हो सकता है। यही वजह है कि इस समय अगर कहीं पर एक छोटा सा भी युद्ध होता है तो प्रयास संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से या महाशक्तियों के माध्यम से यही किया जाता है कि ये विश्व युद्ध ना बनने पाए। चलिए आगे देख लेते हैं, सुरक्षा का अर्थ एवं परिभाषा। एक राष्ट्र को सम्मानपूर्ण जीवन जीने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उसे राष्ट्रीय हित कहते हैं, और उन्हीं हितों की सुरक्षा करना ही राष्ट्रीय सुरक्षा है। राष्ट्र हो या व्यक्ति, उसकी सुरक्षा पहली प्राथमिकता होती है, और दोनों के लिए उसे प्राथमिक हितों, या जिसे हम लोग मार्मिक हित कहते हैं, की सुरक्षा आवश्यक होती है। प्राथमिक हित कौन कौन से होते हैं? जिस प्रकार एक व्यक्ति के लिए भोजन, वस्त्र और मकान की जरूरत प्राथमिक होती है, उसी तरह एक राष्ट्र के लिए एकता, अखंडता एवं संप्रभुता पहली और सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्र का हित होता है, जिसे हम लोग मार्मिक हित कहते हैं। इसके लिए राष्ट्र जो है युद्ध की सीमा तक भी जा सकता है, क्योंकि इनके बगैर राष्ट्र का अस्तित्व हर समय खतरे में बना रहेगा। राष्ट्र के एकता जो है, राष्ट्र के नागरिकों के बीच में एकता हो, जब एकता रहे, अगर एकता बनी रहेगी तब हमारी अखंडता भी बनी रहेगी। अगर एकता अगर टूटी तो अखंडता पे खतरा मंडराया, अर्थात राष्ट्र खंडित हुआ। जिस तरह भारत पाकिस्तान का विभाजन, एकता अर्थात हिंदू मुस्लिम एकता जब खत्म, तो राष्ट्र का जो है विभाजन हो गया, राष्ट्र खंडित हो गया। संप्रभुता का मतलब राष्ट्र अपने अंदर और बाहर के कार्यों में पूर्णतया आजाद हो। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम। विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने तरीके से इसे परिभाषित किया है। इसमें जो पहली और महत्वपूर्ण परिभाषा है वो है वाल्टर लिपमैन की। इन्होंने क्या कहा है? एक राष्ट्र की सुरक्षा तभी समझी जाती है जब तक युद्ध के निवारण हेतु उसे अपने मार्मिक हितों की बलि ना देनी पड़े। यदि उसे चुनौती दी जाती है तो वह युद्ध के द्वारा भी उन्हें बनाए रखने में समर्थ हो। मार्मिक हित वही जो आपको बता चुके हैं, एकता, संप्रभुता, अखंडता, वही है। अगली परिभाषा है जय बंधु उपाध्याय की। इन्होंने क्या कहा है? राष्ट्र की अखंडता, संप्रभुता और जन धन की
जन धन को सुरक्षित रखना ही राष्ट्रीय सुरक्षा है। अगली परिभाषा है फ्रैंक ट्रोजन एवं फ्रांक सिमोली, इन्होंने क्या कहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा सरकारी नीति का वह अंग है जिसका उद्देश्य वर्तमान तथा प्रबल विरोधी के विरुद्ध राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ऐसी लाभदायक परिस्थितियों का निर्माण करना है जिससे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मान्यताओं का प्रसार एवं उनकी रक्षा की जा सके। अब देखिए जान ई मरोज, इन्होंने क्या कहा है, सुरक्षा हानिकारक धमकियों के सापेक्ष स्वतंत्रता का नाम है। रॉबर्ट माइकल मारा ने क्या कहा है, इन्होंने कहा है सुरक्षा ही विकास है एवं विकास ही सुरक्षा है, अर्थात दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बिल्कुल उसी तरह हम लोग समझ सकते हैं कि अगर राष्ट्र विकसित है तो सुरक्षा की हर चीज़ें हम उपलब्ध कर सकते हैं। जैसे हम माना जाए कि पैसा सब कुछ भले ना हो लेकिन बहुत कुछ होता है, अर्थात ज़्यादातर आवश्यकताएँ हमारी धन से पूरी हो सकती हैं, इसलिए माना जाता है कि अर्थव्यवस्था मजबूत होना चाहिए। बिल्कुल उसी तरह है कि सुरक्षा को विकास से जोड़ा गया क्योंकि अगर विकसित क्षेत्र है तो हर प्रकार से वो सुरक्षित है। आगे देखते हैं हम रक्षा क्या है। रक्षा इसको हम बहुत फार्ट में समझा देते हैं क्योंकि है ही छोटा सीमित है। जैसे हम बता चुके हैं कि रक्षा जो है ये सुरक्षा का मात्र एक अंग होता है। अब देखा जाए इसमें रक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा की विस्तृत अवधारणा का मात्र एक अंग है जो आक्रमण या आक्रमण के भय की दफा में ही प्रयोग किया जाता है, या तो आक्रमण हुआ हो या आक्रमण का डर हो, क्योंकि आक्रमण हुआ हो तब भी सैनिक शक्ति की जरूरत पड़ेगी, अगर आक्रमण से डर बना हुआ है तब भी सैनिक शक्ति को मजबूत रखने की जरूरत पड़ेगी। आगे देख सकते हैं यह सैनिक शक्ति द्वारा अपनी सुरक्षा की गारंटी लेता है। रक्षा का दायित्व सैन्य शक्ति, सैन्य संगठन, रक्षा उत्पादन, सैन्य समझौते, शत्रुओं से होने वाले सशस्त्र आक्रमण तक ही सीमित होता है, अर्थात केवल आक्रमण की दफा में ही रक्षा शब्द का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे हम देख लेते हैं सुरक्षा एवं रक्षा में अंतर, क्या अंतर है, इसको हमने कुछ पॉइंटों के अंतर्गत आपको दिखाया है। आप देख सकते हैं प्रमुख तत्व हैं सुरक्षा रक्षा, दोनों में अंतर क्या है। पहला नंबर शक्ति, शक्ति तत्व जो है, अब सुरक्षा के अंतर्गत प्रत्येक शक्ति का अर्जन किया जाता है, जैसे आर्थिक, राजनैतिक, सैनिक, वैज्ञानिक, प्राकृतिक संसाधन, भौगोलिक आदि। इसके अतिरिक्त भी अगर जरूरत पड़ती है शक्ति के अंतर्गत तो हम सारे शक्तियों को इसमें जोड़ लेते हैं सुरक्षा के अंतर्गत, जबकि रक्षा के अंतर्गत शक्ति में मात्र सैन्य शक्ति एवं सैन्य उपकरण, यही जो है रक्षा की क्षेत्र के शक्ति माने जाते हैं। ठीक, अगला जो है वो होता है हित। हित जो है इसमें सभी प्रकार के हितों की सुरक्षा की जाती है सुरक्षा के अंतर्गत, और रक्षा के अंतर्गत मात्र सैनिक शक्ति की ही सुरक्षा की जाती है, सैनिक शक्ति। ठीक है, चलिए कार्यरत, इनके कार्य सुरक्षा के लिए कब कार्य, कितना कार्य होता है, रक्षा के लिए कितना कार्य होता है, क्योंकि सुरक्षा शब्द विकास से जुड़ा होता है इसलिए विकास का कार्य हर समय चलता रहता है, और ये रक्षा का कार्य केवल सैन्य शक्ति से जुड़े होने के कारण केवल आक्रमण के समय सक्रिय होते हैं, अब बाकी रक्षा व्यवस्था को मजबूती करने का दायित्व तो ये भी हर समय चलता रहता है, बाकी सैन्य व्यवस्था जो है युद्ध के समय तेज हो जाती है, ये हम कह सकते हैं। अगला है उद्देश्य, उद्देश्य होता है मानव जीवन का स्तर ऊंचा उठाना, यानी हर क्षेत्र में मानव का विकास करना या राष्ट्र का विकास करना, और रक्षा के अंतर्गत सैनिक शक्ति का ही केवल विकास किया जाता है, सैनिक उपकरणों का निर्माण किया जाता है, रक्षा उत्पादन जिसे हम लोग कहते हैं। अगला है शामिल कौन कौन से तत्व होते हैं, इसमें राष्ट्र के प्रत्येक तत्व शामिल होते हैं सुरक्षा में, और जबकि जो है रक्षा में केवल सैनिक तत्व ही शामिल होते हैं। तो मित्रों हम उम्मीद करते हैं, बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा, और ये भी उम्मीद करते हैं कि आपके समझ में भी आ गया होगा कि रक्षा क्या है, सुरक्षा क्या है, इनके क्षेत्र कितने हैं। ठीक है, चलिए ये चैप्टर समाप्त होता है, बाकी ना समझ में आया हो तो आप कमेंट करिएगा, हम फिर से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक, चलिए पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।